चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा चेहरा हो जिस चेहरे पर जो है हम चुनाव जीत सकें। क्या मानते कौन चेहरे होंगे? नहीं, नेता कमी चेहरों की कमी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और राज्य नेतृत्व तो तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ा। मैं जरूर चाहता हूँ कि मजबूत आदमी लड़े, जो कड़ी चुनौती दे सके, जो बड़े नेता हैं वो लड़े। मौकों पर जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वॉकओवर नहीं देना चाहिए, और अगर वॉकओवर देने की बात होगी तो वो कदापि उचित नहीं। इस तरह से क्यों पूछ रहे? आपने पूछा चक्रोता में उपचुनाव हो सकता है। उपचुनाव तो तभी होगा कि जब मैं त्याग पत्र दूंगा, या कोई और त्याग पत्र दे देगा कहीं से, तो उपचुनाव चक्रोता में तो हो नहीं सकता। ये है, जिनकी खबर है उनसे पूछिए कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या। तमाम से संगठन के कार्यक्रम, संगठन ने कोई कार्यक्रम किया अभी तक? एक कार्यक्रम संगठन ने किया जो प्रदेश के अंदर जो आपसी सौहार्द समाप्त हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में गांधी पार्क के पास बाहर गया, उसमें कौन मौजूद था? सभी मौजूद थे। ये कहना कि कुछ नेता आपको हिस्सा नहीं दे रहे, मनगढ़ंत बातें हैं। और क्या कुछ नाराजगी वाली बात जो आप कह रहे हैं, हमारे कुछ साथियों ने इस बात की नाराजगी दे, और एक बात पर मैंने भी कहा कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है और यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी, और उसमें मुझे भी इंगित किया गया। भाई तो मुझे पूछने का अधिकार है कि मैंने कहाँ पर गुटबंदी की? जिस दिन से अध्यक्ष बना हूँ उस दिन से नेता प्रतिपक्ष पर रहते हुए मैंने कहीं पर भी कोई अनर्गल बयानबाजी की हो या किसी नेता के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दिया हो, हमारी सहभागिता होना अगर कोई कहता तो स्वाभाविक बात है, उसको स्वीकार कर देते। हमने कभी कोई बयान नहीं किया, किसी नेता के खिलाफ कोई सार्वजनिक बात नहीं कही, किसी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम नहीं किया। उसके बावजूद अगर गुटबंदी का आरोप हमारे ऊपर लगेगा तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व से निश्चित रूप से आज भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व इसकी जाँच कराए कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। अगर कोई एक व्यक्ति रोज जो है ट्वीट के माध्यम से गुटबंदी करने का काम करता है तो उसको इंगित किया जाना चाहिए, हमको इंगित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने सार्वजनिक मंच पर कभी कोई बात नहीं। सरकार का गठन हुआ है, सरकार हर मोर्चे पर विफल, देश के अंदर बनागिरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ना तो सरकार उस पर अंकुश पा पा रही है। विद्युत दरें बढ़ाई गई और विद्युत आपूर्ति दर सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। महंगाई अपने चरम पर है, सत्ता में बैठे हुए लोग मदमस्त हैं, वो कहते हैं किसका बनाए जो महंगाई नहीं है। तो आम आदमी का जीना दूर जो है इस सरकार ने कर दिया है। अभी तो मई जून का महीना नहीं आया, पेयजल का जो संकट है वो हमारे सर पर है। हर घर नल, हर घर पानी देने की बात की थी, मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए लोगों से, बताएं कि हर घर नल, हर घर पानी के माध्यम से कितने लोगों को जो है पेयजल का लाभ मिला, वो तो सरकार को बताना पड़ेगा। किसी के माहौल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन मीडिया के हमारे साथियों ने ये खबर चलाई है, उनके पास सोर्सेज है तो बताएं, सार्वजनिक करें, क्यों घबरा रहे, क्यों डर रहे, करें ना सार्वजनिक। उन्होंने तो कई लोगों ने तो दावा किया कि जो बड़ा चेहरा जा रहा है उन्हें यहाँ के प्रभारी से भी मुलाकात कर दी और प्रदेश के अध्यक्ष से भी तीन बार मुलाकात कर दी, तो सार्वजनिक कर दो ना भाई, जब इतनी डिटेल उनके पास है, और नाम सार्वजनिक करके देखे तब पता चलेगा। लोकसभा चुनाव की भी बात हो रही कि बड़ा चला के लोकसभा के लिए मैदान में होगा, बताओ ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास ये सारी जानकारी है तो नाम उजागर कर देना, अगर हिम्मत है साहस है करे ना नाम उजागर, क्यों नहीं कर रहे? अरे कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो,
स्थान अगर पकड़ रहे हो तो जरा सीधा पकड़ के दिखाओ ना, नाम उजागर करके दिखाओ ना।